हाय मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं आज ऐसे हेयर स्टाइलिंग वगैरह करके बैठी हूँ, वैसे कुछ खास हेयर स्टाइल तो है नहीं, ये बहुत ही बेसिक सा है, बट ये भी क्यों करके बैठी हूँ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, मैं बहुत लेजी हूँ। लाइक सच में मुझे हेयर स्टाइलिंग वगैरह करना बहुत आलस का काम लगता है, और मुझे आता भी नहीं है। लाइक अगर आता हो तो इंसान को लगता है ना कि उसको मोटिवेशन मिलती है कि मैं तो बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर लेती हूँ, तो और मन करता है। सो जब तक मेरे बाल इतने गंदे नहीं हो जाते कि मैं उन्हें खोल ना सकूं, तब मैं खड़ी होती हूँ और सोचती हूँ कुछ ऐसा कर लूं कि आप देख सकते हो कि मेरे बाल अभी कितने स्टिकी हो रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको समझ आ रहा होगा। तो उस केस में फिर मैं अपना दिमाग चलाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि वो कवर हो जाए। तो इसलिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना अभी 2-3 रील्स बनाई है बाहर धूप में, तो वो स्वेट से मेरे बाल और ख़राब हो गए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और गंदे लग रहे हैं, जब मैं घर पर थी तब स्टिल मुझे ये थोड़े से बेटर लग रहे थे। चलो कोई ना। और एक चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो मेरे यहाँ से बहुत ग्रे हेयर हो रखे हैं, ये अभी से नहीं, जब मैं 10th क्लास में थी तब मुझे फ़र्स्ट टाइम ग्रे हेयर होने स्टार्ट हुए थे, मेरे पीछे पीछे यहाँ पे और आगे काफ़ी होने लगे थे। तब मैं असम सिलचर में थी एंड वहाँ पे एक डॉक्टर थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कुछ एक लगाने का दिया था और एक मेडिसिन खाने की दी थी, और वो इतनी इफेक्टिव और इतनी अच्छी थी, लाइक लिटरली उसके बाद मेरे कभी ग्रे हेयर नहीं हुए और फिर ये अब होने शुरू हुए 1-2 साल से। तो अभी जब ये दोबारा ग्रे हेयर होने स्टार्ट हुए तो इनिशियली मेरे को लगता था कि कोई देख ना ले, मैं थोड़ा एक दो देखे मैं उन्हें कलर करवा लेती थी या कुछ भी। एक तो हम लोग रील्स वगैरह रोज़ शूट करते हैं वीडियोस, तो मुझे होता था कि वीडियोस में ना दिखे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है चीज़ों को लेकर। होता है ना यार, इनसिक्योरिटीज़ तो सबकी होती है एक टाइम पर आके, बट धीरे धीरे हम लोग सीख जाते हैं, हम ग्रो करते हैं। जैसे पहले मेरे स्कार्स हैं बहुत सारे, मेरे पैर भी स्कार है, तो मुझे ऐसा होता था कि वो दिखे ना, वो जल गया था, और एक बचपन का है तो मैं फाउंडेशन से कई बार उसको बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करती, मतलब अब भी करती हूँ, बट अब मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है कि दिखे दिखे, इट्स ओके, आई एम हैप्पी जैसी मैं हूँ। उससे जाऊँगी यार, वैसे जाती हूँ कुछ दिन बाद कलर करवाने, कब तक ऐसे आलस में, मेरे को सच में बहुत वहाँ जाके बैठे रहो, वो कलर लगाते हैं, फिर आधे घंटे बैठ रहो, बस उस चक्कर में मैं नहीं जा रही हूँ। तो एनीवेज हम लोग आते हैं हमारी आज की वीडियो पे। मैंने ना इस बार मीशो से ज्वेलरी मंगवाई है, मेरा मन था कि मैं कोरियन ज्वेलरी फ्रॉम मीशो करूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्रेज़ है कोरियन ज्वेलरी, कोरियन आउटफिट, कोरियन मेकअप, कोरियन कोरियन कोरियन, मतलब लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इतना क्रेज़ नहीं है, बट बिकॉज इसकी इतनी हाइप रहती है और आप लोगों की डिमांड रहती है, इसलिए मुझे कोरियन वीडियोस करनी पड़ती है, लाइक कोरियन ड्रेसेस या कोरियन टॉप्स, और इसी चक्कर में मैं ये वीडियो कर रही हूँ कोरियन ज्वेलरी। जब मैं मीशो पे गई, मैंने वहाँ पर जाके सर्च किया कोरियन ज्वेलरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ईयरिंग्स ज़्यादा मिले और मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे आर्टिकल्स पीसेस मिले जो आप रोज़ पहन सकते हो या ओकेजनली भी पहन सकते हो, मतलब आप उन्हें कैसे भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मेरा मन था कि मैं थोड़ी सी वैरायटी मंगवा लूँ, लाइक रिंग्स भी मंगवा लूँ, नेक चेन्स वगैरह मंगवा लूँ, बट मुझे इतनी मिली नहीं, मुझे इयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड प्लस इंस्टाग्राम पे जो आजकल कोरियन ज्वेलरी या फिर कोरियन इयरिंग्स वगैरह बहुत ट्रेंड कर रहे थे ना, वो भी मुझे मीशो पे मिल गए, तो वही मैंने मंगवाए हैं। तो चलो मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए, फटाफट शुरू करते हैं। ऐसे वाले छोटे छोटे बॉक्सेज हैं मेरे पास बहुत सारे, लेट्स सी। मैं सच में वैसे भूल गई हूँ क्योंकि सारे ऑर्डर्स काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास ये, लेट्स ओपन दिस एंड सी इसमें क्या है। ज्वेलरी वाली वीडियो करनी मुझे इतनी इजी और मज़ा, मतलब सोच के इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरे को बार बार जाके कपड़े नहीं बदलने पड़ेंगे, एट टाइम्स बहुत टायरिंग हो जाता है कपड़े बदलना। ओके ये दो क्यों आए हैं, पक्का मैंने गलती से दो ऑर्डर कर दिए होंगे, मेरे साथ बहुत होता है। सो ये वाले इयररिंग्स, मुझे पता था मैंने ये किया होगा, मैंने इसकी क्वांटिटी 2 की हुई है। वैसे ये है, इसका नाम, इन वाले का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियन जिरकन फिश टेल स्टड इयररिंग्स, एंड जैसे ये फ़ोटो में मुझे लग रहे थे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वैसा है, बहुत सुंदर लग रहा है यार ये वाले तो, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये पहना हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है फ़ोटो देख के, जैसे ये जो सामने वाला है फूल ये तो आगे रहेगा, ये सामने वाला फूल, और ये जो फिश टेल है ये पीछे से आएगी। देखो फोटो, आप शायद आपको भी समझ आए। इसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा प्लास्टिक के लॉक्स भी मिले हैं। इसका टाइप पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका टाइप लिखा हुआ ईयर जैकेट्स। नहीं गाइज, वो ही सीन है इसका, यस मैं बोल रही थी ना ये फिश टेल पीछे आ रही है और ये आगे है। सो पहले आपको इसे पहनना है अपने कान में, पहन के दिखाती हूँ आपको, और फिर ये फिश टेल आपके पीछे आएगी और फिर आपको लॉक लगाना है कुछ ऐसे,
ड्रेसेस वगैरह पे, कोरियन ड्रेसेस पे। वैसे अभी जो मेरा हेयर स्टाइल हो रखा है ये भी थोड़ा सा कोरियन सा है। मैं ढूंढ रही थी घर पे कि मुझे ये ग्रीन कलर के या ब्लैक कलर के रिबन मिल जाते तो मैं इन दोनों पे बो बनाती, बट मेरे घर पे थे नहीं अभी। तो बो वाले हेयर स्टाइल्स पे प्यारी सी ड्रेस पहन के, कुछ ऐसे इयर रिंग्स पहन के बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइज ये। तो दोनों कान पहनने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं और इसका प्राइस है सिर्फ 242 रुपीज़। सो मुझे तो ये प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट लगे। लाइक क्वालिटी ऐसे कोई चीप नहीं लग रही है इसकी, बहुत प्यारी क्वालिटी है। ऐसे मरमेड सा फील आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कुछ ऐसे मरमेड वाली ड्रेस पहन के, इयर रिंग्स पहन के बीच पे जाके थोड़े से शाम को रात को शूट करो। मेरी फैंटेसीज देख रहे हो आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ये वाले, इसमें क्या निकलता है। ओके ये वाले तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने इसको इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं इसका एडवर्टिजमेंट ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा तभी ये मेरे दिमाग में रह गए और फिर जब ये मुझे मीशो पे दिखे तो मैंने इसको तुरंत मंगवा लिया। बट मैं इनका जो साइज़ आया है ना, मैं इतना बड़ा साइज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा था शायद इतने छोटे से आएंगे, बट ये थोड़े से बड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर आप लोग समझ पाओगे। सो वो है ये वाले, पक्का आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब प्रोडक्ट के नाम में ही कोरियन होता है, मुझे एक वो सेटिस्फेक्शन सी मिलती है कि हाँ मैंने कोरियन चीज़ ही कुछ मंगवाई है, वरना मुझे समझ नहीं आता कि ये कोरियन है भी या नहीं। तो इसके नाम में है, इसके नाम में ही कोरियन, इसका नाम है वाटर ड्रॉप कोरियन इयर रिंग और ये सिर्फ 130 रुपीज़ के हैं। एंड गैस ये दो कलर्स में थे ना, आई रिमेंबर मैंने इसके दोनों कलर मंगवा लिया था। लाइक मैं सोच रही थी ये बहुत छोटे से होंगे, बट अच्छा है कि इनका इतना बड़ा साइज़ आया, तो आप इनको प्लेन ड्रेसेस वगैरह के साथ कैरी करोगे तो ये अच्छे लगेंगे। एंड इनफैक्ट फॉर्मल्स के साथ ही कितने स्मार्ट लगेंगे। इमेजिन करो आपने कुछ फॉर्मल वियर पहना हुआ, जैसे ये अभी मैंने शर्ट पहनी हुई है, मुझे इसके साथ भी ये इतने अच्छे लग रहे हैं। सी गाइज, सो अभी तक तो आई एम रियली हैप्पी विद दीज, बस ये है कि विद टाइम इनका ये पेंट ना निकले। विद टाइम से मेरा ये मतलब है कि मुझे 10-12 साल नहीं रखना इन्हें, बट ये कि एटलीस्ट कुछ टाइम तो ढंग से चल जाए। कई बार क्या होता है रखे रखे ही पेंट निकलने लग जाता, तो जब पहनना होता तब वो पहनना ही नहीं चाहता। बट दीज आर नाइस गाइज। परी आई है और परी यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खा रही है। परी हाय, मैं परी की फ़ोन से क्लिप लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकती हूँ। परी हाय बोलो। परी अपने ट्यूशन से आई है और अभी परी का लंच चल रहा है कि डिनर चल रहा है, क्या टाइम क्या चल रहा है ये आपका? ये नहीं पता, ये नहीं पता। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। परी रेटिंग भी करेगी, वो बताएगी कि उसको ये, वो 10 में से नंबर देगी है ना परी, आउट ऑफ 10। ठीक है डन। नेक्स्ट है हमारे पास ये, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को शूट करने में तो मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा है। के ये भी काफ़ी प्रिटी से हैं गाइस। सी इनका नाम है कोरियन पर्ल हार्ड ड्रॉप इयररिंग्स, इसके नाम में भी कोरियन है, फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। और ये इसका इसका प्राइस अभी 133 दिखा रहा है। गाइस मैं पहले बता दूं कि मीशो पे ना प्राइस के बहुत वेरिएशंस होते रहते हैं, 10, 20, 30 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है। तो एक बार जो प्राइस मैं बताती हूँ वीडियोज़ में और जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती है उनके फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ, जब मैं बाद में देखती हूँ तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं और परी और पिंकी को भी बहुत अच्छे लगे हैं ना। परी तो पहली कह रही, इनको तो मैं 10 out of 10 दूंगी। ये वाले गोल्ड प्लेटेड है और इसका टाइप भी ईयर जैकेट्स हैं, वेस्टर्न कैजुअल स्टोन टाइप इज़ पर्ल्स, स्टोन टाइप इज़ पर्ल्स यस। तो इसको भी आपको ऐसे ही पहनना है। इसमें ये वाला जो हार्ट है ये आएगा पीछे से एंड ये वाला आपको आगे पहनना है पहले, समथिंग लाइक दिस, और फिर ये हार्ट आएगा पीछे एंड फिर आपको करना है इसको ये का। फिर सी कैसा लग रहा है गाइस? बहुत सुंदर लग रहा है ये, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। सो अगेन ये वाले आपके फॉर्मल्स पे भी जाएंगे, पार्टी वेयर ड्रेसेस पे, कैजुअली कैसे भी यूज़ करो। पर कितना रेट करोगे आप इनको, या आके रेटिंग दो, जल्दी आओ इधर, इधर आओ, बोलो हाय। हाय। सो कैसे लगे, कितना दोगी आप इसको? 10 में से 10। 10 में से 10। आज की वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा कैमरा सेटिंग्स चेंज कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर क्लिप के बाद कलर्स बदल रहे हैं, ब्राइटनेस बदल रही है, वो सब चल रहा है। ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास एक और इयर रिंग्स, वो है ये। इस वाले का तो नाम ही लिखा हुआ है सिर्फ कोरियन इयर रिंग्स, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, और इसका प्राइस है 130 रुपीज़। ये वाले मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगे थे इसलिए मैंने इसको मंगवाया। ये वाले भी ईयर जैकेट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी ईयर जैकेट्स वाले इयर रिंग्स हैं वो मोस्टली कोरियन हैं, तो मे बी हो सकता है कि कोरियन इयर रिंग्स की ये भी एक स्पेशलिटी हो कि इस टाइप के इयर रिंग्स कोरियन होते हों, मे बी। सो इसको भी आपको कुछ ऐसे ही पहनना है, ये आएगा पीछे से अगेन और ये आगे से।
सो मैं पहले पहन के देखती हूँ। मैं थोड़ी सी, मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसको लेके कि लाइक कैसे पहनना होगा। ये मैंने पहना, ओके इसको पहले ये पहना, पीछे इसको पीछे वाले को उल्टा करके पहना और फिर इसको ऐसे आगे घुमाना है और अपने कान को उसके अंदर डाल देना है। इससे पहले जो मैं पहन रही थी बिल्कुल गलत पहन रही थी, आप उसमें मत जाना। मैंने दोबारा ट्राई किया, मैंने दोबारा गलत पहन लिया, मैं फिर से पहन के आती हूँ। फाइनली मुझे समझ आ गया कि इनको पहनना कैसे है। सो इनको कुछ इस तरीके से पहनना है, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे वाले में, आप समझ जाओगे। जैसे मैं पहन रही थी पहले उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। तो आपको ये जो है ना, ये पर्ल, ये पहले से ही आगे रहेगा और फिर अपने कान के होल से उसको एडजस्ट करके ये वाला पर्ल डालना और फिर पीछे से लॉक कर लेना है। तो कुछ ऐसे इसको पहनना है। बहुत ही छोटे से बहुत ही प्यारे डेली वियर वाले इयर रिंग्स बोलूँगी मैं इनको। सो पर ये वाले कैसे लगे आपको? ये बहुत अच्छे लगे। क्या रेट करोगे आप? 10 में से 10 इनको भी। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही सुंदर से सिल्वर ग्लिटरी से इयर रिंग्स। यस गाइज, ये ग्लिटरी से ही बोलूँगी मैं इनको क्योंकि देखो आप, ये वाले मुझे थोड़े से पार्टी वियर फील ज़्यादा दे रहे हैं। ये वाले लग रहे हैं प्रॉपर पार्टी वियर। हाँ, एक का ग्लिटर नहीं, मुड़ गया वो। अगर आप इस वाले को देखोगे तो स्टोन्स देखने रहते, तो मुझे लगा कुछ डिफेक्टेड पीस दे दिया, बट वो घूम गया है। सो लेट्स ट्राई देम ऑन। ये वाले भी वैसे ही हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ गाइस ये भी वैसे ही है कि आपको इसको, यार ये सारे कोरियन इयर रिंग्स इस स्टाइल के क्यों हैं कि ये आगे पहनना और फिर ये पीछे से आएगा। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसको। ये वाले तो मुझे बहुत सुंदर एलिगेंट क्लासी लग रहे हैं और ये सिर्फ 183 रुपीस के हैं। इसका नाम यहाँ पे लिखा है लीव्स चेन ट्रेंडी इयर रिंग्स फॉर विमेन गर्ल्स कोरियन वेस्टर्न स्टाइल। थोड़ा लंबा सा नाम है इसका, बट इसके प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ इट और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। मतलब आप सोचो, आपने बिल्कुल कुछ ऑफ शोल्डर या बिल्कुल प्लेन ड्रेस पहनी है, आपने ये पहने हैं एंड सेम सिल्वर स्टोन वाले आपने हील्स पहन लिए, और क्या चाहिए आपको। पर जल्दी आओ, इनको रेट करो। कितना दोगी आप इनको? कितने दोगी? जल्दी बताओ। 100 में से 100 100 में से 100 100 इसके लिए स्कोर ही 100 पहुंचा दिया। इतने अच्छे लगे आपको। नेक्स्ट जो ये वाले इयर रिंग्स है, ये भी बहुत सुंदर है और इसका नाम है ट्रेंडी स्टाइलिश हार्ट कोरियन इयर रिंग्स फॉर वुमेन एंड इनका प्राइस अभी दिखा रहा है 114। एंड ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे फोटो में है ना, बिल्कुल सेम वो ही आर्टिकल है, बिल्कुल सेम लगी वैसे ही लग रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। स्टोन टाइप इज़ नो स्टोन, बेस एलॉय सिल्वर प्लेटेड। सो वो है ये वाले इयररिंग्स। और इसका ये जो हार्ट वाला स्टोन है ना, जैसे आजकल क्रोम आई शेडोज चल रहे हैं ना, वो शिफ्ट होते हैं, कलर चेंज करते हैं विद लाइट, वैसा वाला फील है इसका। मतलब इसमें मुझे वो कलर चेंजिंग इफेक्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थैंक गुडनेस ये जैकेट वाले नहीं है, मैं थोड़ा सा चेंज चाहती थी। ओ माई गॉड गाइज, मैं इतने खुश मीशो से कभी नहीं हुई। मैंने आज जितने भी ज्वेलरी पीसेस ट्राई किए सब मुझे इतने सुंदर लग रहे, इतने प्यारे लग रहे, इतनी अच्छी क्वालिटी, और इस वाले को देखो आप। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये भी इतने अडोरेबल, इतने गॉर्जियस, इतने प्रिटी लग रहे हैं, बिल्कुल पार्टी वियर और कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट वेट है। जो चीज़ मुझे सारी ज्वेलरी की अच्छी लगी वो ये कि सारी ज्वेलरी जितनी भी ज्वेलरी मैंने अभी तक ट्राई की वो सारी बहुत ही लाइट वेट है। और ये भी देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हैवी हो सकते हैं, बट पता नहीं चल, बट बिल्कुल हैवी फील नहीं दे रहे हैं, बहुत ही नाइस। पिंकी ने अपना ओपिनियन दिया और पिंकी को ये लग रहे हैं केकड़े की तरह। सो गाइस आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या ये आपको भी केकड़े की तरह लग रहे हैं, क्योंकि पिंकी को लग रहे हैं केकड़े की तरह। पर ये आप कितना स्कोर दोगी इनको, क्या पॉइंट्स दोगी आप? 100 में से 100 नेक्स्ट जो मैं इयर रिंग्स दिखाने वाली हूँ ये प्रीशा को बहुत पसंद आएंगे। पर ये आपके फेवरेट होने वाले हैं क्योंकि ये है रैबिट शेप के इयर रिंग्स। दिखाऊँ मैं आपको? रैबिट शेप के ये, इसका वैसे नाम यहाँ पे लिखा है ब्लिंगी रैबिट शेप इयर रिंग फॉर गर्ल्स, ये 178 का दिखा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे हैं, जो फोटो यहाँ पे हैं, वो इयर रिंग्स थोड़े से बड़े थे और ये बहुत ही छोटा रैबिट आया। लाइक मैं इनका साइज इतना एक्सपेक्ट कर रही थी। अगर आप फोटो देखोगे जो मैं लगाऊंगी तो आपको भी लगेगा कि वो इतने ही थे, बट ये बहुत छोटे आए। सो ये पहला आर्टिकल है जो मुझे, यस यहाँ पे जो पहना हुआ है, लाइक जो पहन के फोटो लगाई हुई है उसमें भी थोड़े से बड़े लग रहे हैं और ये काफ़ी छोटा आया, बट लग तो क्यूट ये भी रहा है।
सो ये वाला तो ऐसे थीम पार्टीज वगैरह में पहनने के कितने काम आएगा ना, कुछ थीम पार्टी हो या फिर ऐसे कैजुअली घूमने जाना हो। वैसे काफ़ी किडिश लुक दे रहे हैं ना ऐसे बच्चों के इयर रिंग्स, तो थोड़ा सा वाला फील ज़्यादा दे रहे हैं, बट है तो प्यारा है। सो मैंने इसका सिल्वर कलर आपको पहन के दिखाया था, मैंने सेम ये गोल्डन में भी मंगवाया है। इसका प्राइस दिखा रहा है 202 एंड इसका नाम लिखा है इंपोर्टेड कोरियन इयररिंग्स फॉर वुमेन गर्ल्स टियर ड्रॉप। सो पता नहीं क्यों मुझे होप्स थे कि ये अच्छे ही आएंगे, तो इसलिए मैंने इनके दोनों कलर्स मंगवा रहे थे एंड ये अच्छा ही आया। एंड ये बहुत ही बेसिक एंड सिंपल है, तो आई नो ये मेरा तो काफ़ी यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये हुप्स, ये है कोरियन फैशन ट्विस्टेड हुप। और मुझे पता था कि बहुत ही छोटे आएंगे, बट इस टाइप के जो इयर रिंग्स हैं ना बहुत यूज़ होते हैं मेरे, एंड ये बहुत ही सुंदर मुझे लगे थे। आपको पहन के दिखाती हूँ। हुप्स तो मैं वैसे भी जनरली बहुत यूज़ करती हूँ, और ये ट्विस्टेड है प्लस इसका इतना छोटा सा साइज़, तो ये मुझे बहुत ही प्यारे एंड क्यूट से लगे। जैसा कलर ही बहुत सुंदर मुझे लगा था, सी है ना प्यारा सा। इसका प्राइस इज़ 168 और ये सिर्फ एक ही कलर में है। ओकेजन लिखा है एथनिक पार्टी, बेस मेटल इज अलॉय, ना ही छोटा है एंड एग्जैक्टली सेम मुझे फोटो जैसा भी लग रहा है, सो दिस इज नाइस। इन इयर रिंग्स के बारे में परी कुछ बोल रही थी, क्या बता रही थी आप? ये मैंने देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं? किसके फोन में? अपने। आपने ऐड देखा इसका? पहले मुझे लगा परी ने ऐड देखा, बट अभी मुझे परी ने बताया कि ऐड नहीं देखा, किसी ने मंगाया, परी ने किसी की हॉल या कुछ वैसी वीडियो देखी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक और हार्ट शेप के इयर रिंग्स। इनका नाम यहाँ पे लिखा है कोरियन इयर रिंग्स गोल्ड प्लेटेड हुप एंड शाइनी रेड हार्ट फॉर विमेन गर्ल्स लाइट वेट वेस्टर्न। लाइट वेट तो नो डाउट, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही हल्के इयर रिंग्स हैं एंड ये जैसे फ़ोटो में एग्जैक्टली आए तो वैसे हैं, बट मुझे इनकी एक चीज़ लग रही है कि ये वाला जो चीज़ है ना इसका, ये बहुत ही हल्का है। ये मतलब अगर आप बैठोगे भी या ज़्यादा ज़ोर से पड़ेगा तो ये मुड़ जाएगा, बस इसकी मुझे एक चीज़ वो लग रही है। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा देर तक पहन नहीं पाती हूँ, और अभी मैंने इतने सारे इयर रिंग्स ट्राई किए, मेरे कान लाल पड़ने शुरू हो गए। ये वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर हैं, बट इसको पहनना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, मैं काफ़ी घुमा घुमा के पहनना पड़ा, बट सही लग रहे हैं ये। अरे आप क्या रेट करने वाली थी इनको? 100 में से 100 अच्छे लग रहे हैं वैसे। ये भी कोरियन ज्वेलरी के नाम पर मैंने सिर्फ अभी तक इयर रिंग्स दिखाए हैं। और लास्ट है हमारे पास ये, अब निकला है कुछ गले का। यार ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये ऐसे आते हैं, इनको सुलझाना, इसको डिटैंगल करना कई बार ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, बहुत देर देर तक बैठना पड़ता है। तो जैसे मैंने अभी ये शर्ट पहनी हुई, इसका नेक डीप है एंड इस टाइप के डीप नेक्स पे इस टाइप के चेन्स बहुत सुंदर लगते हैं। या फिर आपने कुछ हाई नेक्स पहने हो, ब्लैक ब्लू वाइट किसी भी कलर का, एंड उसके ऊपर आप इसको डाल लो तो ये बहुत यूज़ होता है। मुझे याद है पहले तो मैं इस टाइप के चेन्स बहुत खरीदती थी और बहुत पहनती थी, बीच में मेरा छूट गया, बट अब फिर से मैं सोच रही हूँ थोड़ा चेन्स का कलेक्शन किया जाए, तो मैंने इसलिए इसको मंगवाया। ये वाला आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी लाइट वेट एंड बहुत सुंदर लग रहा है ये भी पहना हुआ। सो गाइस ये था मेरी आज की वीडियो का लास्ट आर्टिकल। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूँ तो मुझे सारी चीज़ें, सारे इयर रिंग्स सब बहुत सुंदर लगा। वैसे इयर रिंग्स ही थे मोस्टली बोलते हैं, ऐसे मैंने बहुत कुछ दिखाया हो, तो जितनी भी ज्वेलरी मैंने आज ट्राई की मुझे सब बहुत प्यारा लगा, मुझे किसी में कोई कमी नहीं लगी। आपको इसमें से कुछ ही पसंद आ रहा हो तो आप मंगवाओ, मैं सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ आज के हॉल से। गाइस आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले हम व्हाट्स इन माई बैग करने वाले हैं प्रीशा के साथ, बिकॉज परी चाहती है वो अपना बैग दिखाए और दिखाए उसमें क्या क्या है, जल्दी आ जाओ। सो जितनी बड़ी हमारी परी उतना ही बड़ा परी का बैग, एंड लेट्स डू व्हाट्स इन माई बैग। तो आप दिखाना चाहोगे आपके बैग में क्या क्या है? सो फर्स्ट है हमारे पास ये, क्या है ये? डायरी। सो दिस इज़ अ डायरी जिसमें परी को कोई भी थॉट आता है तो परी इसमें तुरंत लिख लेती है, इसमें बहुत कुछ लिखा भी हुआ है। सी मुझे लगा था खाली होगी, बट ये खाली नहीं है। परी, नायशा, परी के फ्रेंड के नेम्स लिखे हुए इसमें। वाओ। नेक्स्ट वी हैव इज़ अ पेंसिल। और उसके बाद है हमारे पास ये, क्या है? पेपा पिग। सो परी के पास जितनी बड़ी परी, जितना बड़ा बैग, उतनी ही बड़ी एक पेंसिल भी है। सी गाइस, इसके ऊपर ये लगाती और इसके ऊपर परी लगाती है पेपा पिग इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास शार्पनर, दिस इज अ शार्पनर। एंड फिर निकलेगा इरेजर, कितनी बड़ी इरेजर है। दूसरी अंदर भी है। और फिर एक और इरेजर है, एक और है, खुशबू तो नहीं आ रही कुछ खास। एक और बहुत बड़ी इरेजर है। नोनू अब मैं दिखाऊं, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सबसे बड़ी इरेजर जो शायद आपको दिख भी ना पाए। और ये पेपर्स में क्या क्या लिखा है। और ये है परी की कुछ ड्रॉइंग्स,
जो परी ने अपने बैग में रखी हुई हैं। सो बस यही था हमारे बैग में, ज़रूर बताना व्हाट्स इन माय बैग, कैसा लगा आपको परी के बैग में जो जो सामान था। तो चलो गाइज, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या करना है इन सबको, लाइक सब्सक्राइब शेयर क्लिक द बेल आइकॉन। चलो बाय गाइज।